ये भी जानते हो कि बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। यू नो दिस टू दैट योर सिंस विल बी कट डिस्ट्रॉयड ओनली बाय द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यू हैव टू असिमुलेट डिवाइन वर्च्यूज टू। और ये दैवी गुण भी ऐसे नहीं कि सत्युग में धारण करने हैं। एंड इट इजन सो दैट यू हैव टू असिमुलेट दीज डिवाइन वर्च्यूज इन द गोल्डन एज। कहाँ धारण करने हैं? वेर डू यू हैव टू असिमुलेट देम? है यहाँ धारण करने हैं। यू हैव टू असिमुलेट देम हियर। ये दैवी गुण धारण करने के प्रैक्टिकल जीवन में संस्कार जितने लंबे समय के संगम युग में होंगे। द लॉन्गर यू हैव द संस्कार्स टू असिमुलेट डिवाइन वर्च्यूज इन द प्रैक्टिकल लाइफ इन द कॉन्फ्लुएंस एज उतने ऊंचे देवता बनेंगे। यू विल बिकम अ ग्रेट डीटी टू दैट एक्सटेंट। अगर अल्पकाल के संस्कार होंगे, इफ यू हैव दो संस्कार्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो अल्पकाल के देवता बनेंगे। यू विल बिकम अ डीटी फॉर अ शॉर्ट टाइम। बाप तो यहाँ ही करनी कथनी की बात बताते हैं। इट इज डेफिनेटली हियर दैट द फादर टेल्स अस अबाउट एक्शंस एंड स्पीच। इसलिए ये संगम युग मुख्य है। दैट इज व्हाई दिस कॉन्फ्लुएंस एज इज इम्पोर्टेंट। ये पुरुषोत्तम संगम युग अच्छी रीत याद करना है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज मीनिंग पुरुषोत्तम संगम युग वेयर द बेस्ट अमंग द सोल्स इज रिवील्ड वेल। अगर पुरुषोत्तम अक्षर नहीं लिखेंगे, इफ यू डोंट राइट द वर्ड पुरुषोत्तम मीनिंग बेस्ट अमंग ऑल द सोल्स, तो मनुष्य समझेंगे कि भगवान युगे युगे आता है। पीपल विल थिंक गॉड कम्स इन एवरी एज। गीता में क्या लिखा है? वॉट इज रिटन इन द गीता? संभवामी युगे युगे। संभवामी युगे युगे, आई कम इन एवरी एज। सत्युग त्रेता का युगे, द्वापर कलयुग का युगे। द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस, द कॉपर एंड आयरन एजेस। त्रेता द्वापर का युगे, द सिल्वर एंड कॉपर एजेस। समझते हर दो युगों के संगम पर भगवान आता है। दे थिंक दैट गॉड कम्स एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ एवरी टू एजेस। इसलिए क्या लिखो? हेंस व्हाट शुड यू राइट? पुरुषोत्तम संगम युगे। ही कम्स इन द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज। और पुरुषों में उत्तम देवता नारायण का राज्य होता ही है सत्युग के आदि में। एंड द किंगडम ऑफ नारायण द बेस्ट डीटी अमंग द सोल्स इज सर्टनली एट द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज। तो सत्युग त्रेता को पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे। देयरफोर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस विल नॉट बी कॉल्ड द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज। त्रेता द्वापर को भी पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सिल्वर एंड कॉपर एजेस विल नॉट बी कॉल्ड द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज ईदर। द्वापर कलयुग की संधि को भी पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? नॉर विल द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कॉपर एंड आयरन एजेस बी कॉल्ड द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज। विच कॉन्फ्लुएंस विल बी कॉल्ड सो? कलयुग और सतयुग को ही संधि को पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे। Only the confluence of the Iron Age and the Golden Age will be called the Elevated Confluence Age. सीढ़ी उतरनी होती है ना? You have to descend the ladder, haven't you? जब चढ़ने का समय होता है, When it is the time to climb up, तब पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। It is called the Elevated Confluence Age. सतयुग से कलयुग तक उतरना है। You have to descend from the Golden Age down to the Iron Age. और कलयुग से सतयुग तक चढ़ना है। एंड यू हैव टू असेंड फ्रॉम द आयरन एज अप टू द गोल्डन एज। जबकि सब धर्मों का भला होता है। व्हेन ऑल द रिलीजन्स आर बेनिफिटेड। है? हम्म? सब धर्मों का भला होता है। द बेनिफिट ऑफ ऑल द रिलीजन्स टेक्स प्लेस। कि सिर्फ देवता धर्म की आत्माओं का भला होता है। और आर ओनली द सोल्स ऑफ द डीटी रिलीजन बेनिफिटेड। जो देवता धर्म के पक्के हैं, दोज हू फर्मली बिलोंग टू द डीटी रिलीजन, या देवता धर्म की जो आत्माएं थी उनका ही भला होता है। और दोज हू वर द सोल्स ऑफ द डीटी रिलीजन आर दे द ओनली वंस बेनिफिटेड, या सब धर्मों का भला होता है। और आर ऑल द रिलीजन्स बेनिफिटेड। सब धर्म देवता बन जाते हैं। समवन सेड ऑल द रिलीजन्स, डू द पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स बिकम डीटीज? सत्युग त्रेता में सुख भोगते हैं। डू दे एक्सपीरियंस हैप्पीनेस इन द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस? और धर्मों का भला कहाँ होता है? आर द अदर रिलीजन्स बेनिफिटेड? होता है। दे आर बेनिफिटेड। और धर्मों में भी आधा समय सुख भोगते हैं। इन अदर रिलीजन्स टू दे एक्सपीरियंस हैप्पीनेस फॉर हाफ द टाइम। और आधा समय
दुख भोगते हैं। एंड दे एक्सपीरियंस सोरो फॉर हाफ द टाइम। तो आधा समय जो सुख भोगते हैं, सो द हैप्पीनेस दैट दे एक्सपीरियंस फॉर हाफ द टाइम, वो ईश्वरीय मत पर चलते हैं तो सुख भोगते हैं। व्हेन दे फॉलो द एडवाइस ऑफ गॉड दे एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। और अपने धर्म पिताओं की मत पर चलने की शूटिंग करते हैं तो दुख भोगते हैं। एंड व्हेन दे डू द शूटिंग ऑफ फॉलोइंग देयर रिलीजियस फादर्स एडवाइस दे एक्सपीरियंस सोरो। तो जो गायन है तेरे बहाने सर्व का भला, देयरफॉर द प्रेज तेरे बहाने सर्व का भला, मीनिंग ऑल बेनिफिट थ्रू यू, वो वास्तव में एक बाप के लिए है, इज एक्चुअली फॉर द वन फादर। उन सिखों ने तो समझ लिया है गुरु नानक के लिए। इन फैक्ट दोज सिक्स हैव कंसिडर्ड इट टू बी फॉर गुरु नानक, कि वो सदगुरु के रूप में आता है, दैट ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ द सदगुरु। अगर गुरु नानक भी ऊंचे ते ऊंचे है तो फिर नीच किसको कहेंगे? इफ गुरु नानक हिमसेल्फ इज द हाईएस्ट हू विल बी कॉल्ड लो देन? फिर कह दिया है नानक नीच कहे विचार। देन दे हैव सेड नानक नीच कहे विचार, नानक द लोली वन गिव्स हिज एडवाइस। माना नानक ने अपने को भगवान स्वीकार नहीं किया है। इट मीन्स नानक डिंट एक्सेप्ट हिमसेल्फ एज गॉड। हजारों बारी तुम पर बलिहार जावे, आई विल डिवोट माई सेल्फ टू यू थाउजेंड ऑफ टाइम्स, तू सदा सलामत रहे, मे यू बी ऑलवेज वेल। वो है ही निराकार निरहंकार निर्विकारी, ही इज इंडीड इनकॉर्पोरियल ईगोलेस वॉइसलेस। तो नानक भी उनकी महिमा गाते हैं, देयरफॉर नानक ऑल्सो प्रेजेस हिम। किनकी? हु? एक सदगुरु निराकार की महिमा गाते हैं, ही प्रेजेस द वन इनकॉर्पोरियल सदगुरु। तो ये सभी बाप बैठ समझाते हैं, सो द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स ऑल दिस। साहबजादे बनो, इफ यू बिकम साहबजादे मीनिंग गॉड सन, तो शाहजादे बनने का सुख मिलेगा। यू विल रिसीव द हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग शाहजादे अ किंग्स सन। शाहजादे माने? व्हाट डज शाहजादे मीन? अरे अभी तो बताया। अरे इट वॉज सेड जस्ट नाउ। शाह किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड शाह? शाह माने? व्हाट डज शाह मीन? अरे अरे शाहजहां माना क्या हुआ? शाहजहां, व्हाट डज इट मीन? सारे जहान का शाह। द शाह किंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड जहां। अच्छा सारे जहान का न सही। ऑल राइट इफ नॉट अ शाह ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, थोड़े से टुकड़े का शाह सही, तो शाह होगा कि नहीं? लेट हिम बी द शाह ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, देन विल ही बी शाह और नॉट? शाह कहते हैं राजा को। अ किंग इज कॉल्ड शाह। तो अभी तुम शाहजादे नहीं हो। सो यू आर नॉट शाहजादे नाउ। अभी क्या हो? व्हाट आर यू नाउ? अभी साहबजादे हो। यू आर साहबजादे नाउ। साहबजादे पक्के पक्के बनो। बिकम अ फर्म साहबजादे, तो शाहजादे बनने का सुख मिलेगा। देन यू विल गेट द हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग अ शाहजादे। जप साहब को तो, चैंट द नेम ऑफ साहब, देन तो सुख मिलेगा। देन यू विल गेट हैप्पीनेस। जप माने? व्हाट डज जप चैंट मीन? है मुख से जाप करें? शुड वी चैंट द नेम थ्रू द माउथ? नहीं, नो, मुख से जाप करने की बात नहीं है। इट इज नॉट अबाउट चैंटिंग द नेम थ्रू द माउथ। भक्ति मार्ग में नाम को महत्व देते हैं। ऑन द पाथ ऑफ भक्ति दे गिव इम्पोर्टेंस टू द नेम। नाम जपते हैं। दे चैंट नेम्स। और ज्ञान मार्ग में? एंड ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज, जानते हैं कि ये नाम तब पड़ता है जब कोई काम किया है। We know that the name is given when some task has been performed. तो जप साहब को मतलब? So chant the name of साहब means बाप का जो कर्म है। Remember the actions of the father. बाप ने आकर के क्या किया? What did the father do when he came? उन कर्मों को याद करते रहो। Keep remembering those actions. ये दादा भी कहेंगे। This dada will also say. पहले हम भी हरामजादे थे। Earlier, I too was a bastard, Haramzada. कौन दादा? है? Which dada? ये नहीं कहा, कहते हैं। He didn't say, he says. ये दादा भी कहते हैं, ये नहीं कहा, क्या कहा? This dada also says,
He didn't say this. What did he say? ये दादा भी कहेंगे. कब कहेंगे? This dada will also say. When will he say this? जब समझेंगे कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ. When he understands that he is not the god of the Gita. कौन है? Who is the god of the Gita? गीता का भगवान एक ही निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है. The god of the Gita is the one incorporeal Shiv Shankar Bholenath, Shiv, the lord of the innocent ones only. मैं अगर गीता का भगवान हूँ तो हराम ज्यादा हूँ या नहीं हूँ? If I am the god of the Gita, am I a haramzada or not? क्या हुआ? है? What did he become? अगर बच्चा अम्मा का खसम बन करके बैठ जावे. If a child becomes the husband of the mother. तो बाप क्या कहेगा? क्या गाली देगा? What will the father say? Which abuse will he use? है? हरामजादा. हरामजादा. तो ये भी आगे चल के समझेंगे. कौन? So this one will also understand later. Who? है? ये ब्रह्मा दादा भी समझेंगे. This Brahma Dada will also understand. क्या समझेंगे? What will he understand? है? कि पहले हम भी हरामजादे थे. He will understand. Previously, I too was a haramzada. फिर साहबजादे, फिर शाहजादे बनेंगे. Then I become साहबजादे, and later I will become शाहजादे. माने? Meaning? सन 68 तक दादा को भी क्या कहेंगे? What will even दादा be called till the year 68? ये दादा बाप को पहचानते थे या नहीं पहचानते थे practical? Did this दादा recognize the father in practical or not? नहीं पहचानते थे. He didn't recognize him. जब बाप कोई नहीं पहचानते थे तो अम्मा को भी नहीं पहचानते थे. When he didn't recognize the father himself, he didn't recognize the mother either. नहीं पहचानते थे इसलिए जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है दिखाई गई. He didn't recognize him. That is why जगदम्बा takes on the form of महाकाली. She is shown that way. उसके सर के ऊपर कौन चढ़ा बैठा है? Who is sitting on her head? है? चंद्रमा. The moon. तो बच्चा अम्मा के माथे पर चढ़ करके बैठे ये शोभता है? Does it look nice if a child sits on the head of the mother? है? नहीं शोभता है. It doesn't look nice. वास्तव में तीसरा नेत्र तो शोभता है देवी देवताओं को. Actually, the third eye looks nice on the deities, female and male deities. लेकिन चंद्रमा माथे पर चढ़ करके बैठे, चंद्रमा माने ज्ञान, चंद्रमा ब्रह्मा. But if the moon sits on the moon means the moon of knowledge, Brahma. वो शोभता नहीं है. It doesn't look nice. इसलिए बोला. This is why it was said. कि दादा भी कहेंगे पहले हम हराम जादे थे. This dada will also say. Previously, I was haramzada. कब कहेंगे? When will he say this? है? है? कब समझ जाएंगे? Someone said, when he understands. When will he understand? जब संपन्न स्टेज आवेगी. When he attains the complete stage. ब्रह्मा की भी संपन्न स्टेज आवेगी या नहीं आवेगी? Will Brahma to attain a complete stage or not? ब्रह्मा की भी स्वर्ग के गेट खोलेगा या नहीं खोलेगा? Will Brahma to open the gates of heaven or not? है? किसके द्वारा खोलेगा? Through whom will he open them? है? जगदम्बा के द्वारा. Through जगदम्बा. माताएं ही निमित्त बनती हैं स्वर्ग का गेट खोलने के लिए. Only the mothers become instruments to open the gates of heaven. तो जो माताएं स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त बनती हैं, उन माताओं में अव्वल नंबर आत्मा कौन? Who is the number one soul among the mothers who become instruments to open the gates of heaven? Eh? Abbal number atma, mata ka part bajane wali. The number one soul who plays the part of a mother? Badi mummy, sirf a dabba hai. The senior mother is just a box. Kya? What? Wo sahan shakti ka aagar nahi hai. She is not the storehouse of power of tolerance. Kaun hai? Who is it? ब्रह्मा. ब्रह्मा. ब्रह्मा ने जितना सहन किया, सहन करके माता का पार्ट बजाया,
द एक्सटेंट टू विच ब्रह्मा टॉलरेटेड एंड प्लेड द पार्ट ऑफ द मदर, इतना पार्ट और कोई भी नहीं बजा सकता. Nobody else can play a part of a mother to that extent. तो वो ही ब्रह्मा जो वृद्ध तन में पार्ट बजाता था. So the same Brahma who played a part in an old body, पुरुष तन में पार्ट बजाता था, इसके कारण उसकी पूजा नहीं होती. Who played a part in a male body is not worshipped for this reason, क्योंकि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है. Because all males are Duryodhan Dushasan, villainous characters in the epic Mahabharat. वो ही ब्रह्मा की सोल जब कोई माता में प्रवेश करके संपन्न स्टेज का पार्ट बजाती है और एहसास करती है. When that same soul of Brahma enters some mother and plays the part of a complete stage and realizes, क्या एहसास करती है? What does he realize? पहले हम भी क्या थे? Earlier, I too was. What was I too? हम भी ब्राह्मणों की दुनिया में हरामजादे थे. I too was a bastard in the Brahmin world. क्या थे? What was I? बाप को नहीं पहचानते थे, अपन को बाप समझते थे. I didn't recognize the father. I used to consider myself as the father. शिवोहम समझते थे कि नहीं? Did he consider himself to be शिवोहम or not? मुरली में स्वीकार किया कि नहीं, मैं शिव हूँ? Did he accept this in the मुरली or not? I am शिव. मेरे अंदर शिव पार्ट बजाता है. शिव प्लेज अ पार्ट इन मी. मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मास्मि. आई एम ब्रह्मा, ब्रह्मास्मि. ये स्वीकार किया कि नहीं? डिड ही एक्सेप्ट दिस और नॉट? तो अगर ये स्वीकार किया, सो इफ ही एक्सेप्टेड दिस, तो बाप कहते हैं जो अपन को भगवान कहते हैं वो बोलने कश्यप हुए. देन द फादर सेज द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ गॉड इज हिरण्यकश्यप द डीमन किंग हु वांटेड हिमसेल्फ टू बी कंसिडर्ड एज गॉड. अभी समझते हैं कि पति से पावन तो साहब बनाते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इट इज द साहब मीनिंग मास्टर हु मेक्स अस प्योर फ्रॉम इम्प्योर. तो ये जान करके कितनी खुशी होती है. सो यू बिकम सो हैप्पी आफ्टर नोइंग दिस. पहले हम हरामजादा था. अर्लियर आई वॉज हरामजादा मीनिंग अ बास्टर्ड. अभी साहबजादा बनता हूँ. फिर शाहजादा बनेंगे कब? नाउ आई बिकम साहबजादा मीनिंग गॉड्स सन. देन लेटर आई विल बिकम शाहजादा मीनिंग अ किंग्स सन. व्हेन? फिर माने कब? व्हाट डस लेटर मीन? अरे ब्रह्मा की आत्मा शाहजादा कब बनेगी? अरे व्हेन विल द सोल ऑफ ब्रह्मा बिकम शाहजादा? नहीं बनेगी. वोंट ही बिकम दैट? सत्ययुग में बनेगी. ही विल बिकम दैट इन द गोल्डन एज. अभी बहुत जन्मों के अंत में पतित है. नाउ एट द एंड ऑफ मेनी बर्थ्स ही इज इम्प्योर. बाप बच्चों से ही बैठ करके बात करते हैं. द फादर सिट्स एंड स्पीक्स ओनली विद द चिल्ड्रेन. और कोई से नहीं करते हैं. ही डजंट स्पीक विद एनीवन एल्स. बच्चे ही सुनते हैं. इट इज ओनली द चिल्ड्रेन हु लिसन टू हिम. सभी बच्चे थोड़े ही शाहजादे बनने लायक हैं. नॉट ऑल द चिल्ड्रेन आर वर्दी ऑफ बिकमिंग शाहजादे. पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है. द कर्मातीत स्टेज मीनिंग द स्टेज बियॉन्ड द इफेक्ट ऑफ एक्शन इज टू बी अचीव्ड इन द एंड. तब बाप कहते हैं अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो. दैट इज वाई द फादर सेज आस्क द गोप गोपीज मीनिंग काउहर्ड्स एंड हर्ड गर्ल्स अबाउट अतीन्द्रिय सुख मीनिंग सुपर सेंशुअल जॉय. उस समय वो अडोल अवस्था रहती है. एट दैट टाइम यू विल हैव दैट अनशेकेबल स्टेज. महावीर ने कहा ना, मुझे कोई भी हिला नहीं सकता. महावीर सेड नो वन कैन शेक मी डिडंट ही. कौन से शास्त्र की बात है? इट इज अबाउट विच स्क्रिप्चर है? अरे किसको बाबा महावीर बोल रहे हैं? जिसको होले जिसके लिए गायन आया शास्त्रों में कि मेरे पाँव को कोई हिला ही नहीं सकता. अरे हुम इज बाबा कॉलिंग महावीर फॉर हुम इट इज प्लेस्ड इन द स्क्रिप्चर्स दैट नो वन कैन शेक हिज लेग. अंगद. अंगद क्या? उसका नाम क्या रखा? वॉट वॉट वॉज ही नेम्ड? अंगद. अंगद. अंग माने जिसने ईश्वरीय सेवा में एक एक अंग दे दिया. अंग मीन्स द वन हु ऑफर्ड हिज एवरी ऑर्गन इन द सर्विस ऑफ गॉड. अंगों से दुनियावी सुख लिया नहीं, क्या किया? ही डिडंट एक्सपीरियंस द वर्ल्डली हैप्पीनेस थ्रू द ऑर्गन्स. एक एक अंग
ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया। ही सैक्रिफाइस्ड एवरी ऑर्गन इन द सर्विस ऑफ गॉड। उसका नाम पड़ा अंगद। ही वॉज नेम्ड अंगद। किसको कहते हैं अंगद? हु इज कॉल्ड अंगद? उन्हीं को कहा जाता है अंगद जो ईश्वरीय सेवा में पूरा अर्पण में हो जाते हैं। ओनली दोज हु सैक्रिफाइस देमसेल्व्स कम्प्लीटली इन सर्विस ऑफ गॉड आर कॉल्ड अंगद। जो जितना अर्पण में बनते हैं तन से मन से धन से समय संपर्क संबंध से। द मोर समवन सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ थ्रू द बॉडी माइंड वेल्थ टाइम कॉन्टेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स उतना उनका ज्ञान का दर्पण पावरफुल हो जाता है। देयर मिरर ऑफ नॉलेज बिकम्स पावरफुल टू दैट एक्सटेंट। ये ज्ञान की प्रैक्टिकल बातें हैं। दीज आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। कोई भी अनुभव करके देख सकता है। एनीवन कैन ट्राई एक्सपीरियंसिंग इट। और जितना ज्ञान का दर्पण पावरफुल होगा इन एडिशन द मोर द मिरर ऑफ नॉलेज बिकम्स पावरफुल तो शीशे के समान सबको दिखाई देगा। एवरीवन विल बी एबल टू सी इन इट लाइक अ मिरर। जैसे बोला है फॉर एग्जाम्पल इट वॉज सेड बड़े से बड़ा आरसी है बाप। द बिगेस्ट मिरर इज द फादर। फिर है मिनी मधुबन। देन इट इज द मिनी मधुबन। मधुबन 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 है शीशे के महल। मधुबन इज अ पैलेस ऑफ मिरर्स। इन मधुबनों में कोई भी आत्मा अपने को छुपाए नहीं सकती है। नो सोल कैन कंसील इटसेल्फ इन दीज मधुबंस। जैसे शीश महल में सबका चेहरा क्लियर दिखाई देता है। जस्ट लाइक एवरी वन फेस इज विजिबल क्लियरली इन अ पैलेस ऑफ मिरर्स। ऐसे ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली दिस फोर्ट ऑफ द पांडवास विल बिकम सच। अभी भी बन रहा है। इट इज बिकमिंग सच इवन नाउ। कि सबको अपना चेहरा भी दिखाई पड़ेगा और दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ेगा। दैट एवरीवन विल बी एबल टू सी देयर ओन फेसेस एज वेल एज द फेसेस ऑफ द अदर्स। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं। नाउ द फेसेस आर बीइंग प्रिपेयर्ड। कोई के राक्षसी चेहरे तैयार हो रहे हैं। द फेसेस ऑफ सम आर बीइंग प्रिपेयर्ड लाइक दैट ऑफ द डीमंस। और कोई के दैवी चेहरे तैयार हो रहे हैं। एंड द फेसेस ऑफ सम आर बीइंग प्रिपेयर्ड लाइक दैट ऑफ द डीटीज। ये शास्त्रों में और अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रण किए जाते हैं। दे आर डिपिक्टेड इन द स्क्रिप्चर्स एंड इन द केव्स ऑफ अजंता एलोरा। माया से तुम बाद में छूटते हो। यू बिकम फ्री फ्रॉम माया लेटर ऑन। माया के साथ बहुत बाहरी युद्ध चलती है। अ लॉट ऑफ टफ फाइटिंग टेक्स प्लेस विथ माया। बहुत लिखते हैं बाबा माया बड़ा तूफान मिलाती है। मेनी राइट बाबा माया ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ स्टॉर्म्स। ये स्त्री भी हमारी माया का रूप है। दिस वाइफ ऑफ अवर्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ माया। बाबा को लिख कर भेजते हैं। दे राइट लाइक दिस एंड सेंड टू बाबा। अरे बाबा तो पहले ही बता दिया। सन्यासी क्या कहते हैं? अरे बाबा हैज ऑलरेडी सेड व्हाट डू द सन्यासी से। स्त्री को क्या कहते हैं सन्यासी? है व्हाट डू द सन्यासी से फॉर द वुमन। नारी नरक का द्वार है स्त्री सर्पिणी है। द वुमन इज द गेटवे टू हेल। द वुमन इज अ फीमेल सर्पेंट। और बाप क्या कहते हैं? एंड व्हाट डज द फादर से। नारी नरक का द्वार नहीं है। द वुमन इज नॉट अ गेटवे ऑफ हेल। नारी तो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। द वुमन इज इंडीड द वन हु ओपन्स द गेट्स ऑफ हेवन। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। एस इज द विजन द वर्ल्ड इज विजिबल इन द सेम वे। वो नारी को छोड़ करके भागते हैं। दे फोर्सेक द वुमन एंड रन अवे। और बाप नारियों की सेना लेकर के माया से युद्ध करते हैं। एंड द फादर टेक्स द वेरी आर्मी ऑफ वुमेन एंड फाइट्स विथ माया। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद नहीं कर सकते हैं, हमको स्त्री याद आ जाती है। द चिल्ड्रन से बाबा वी आर अनेबल टू रिमेम्बर यू, वी रिमेम्बर द वुमन। बाबा हम आपको बहुत याद करने का पुरुषार्थ करता हूँ फिर भी बुद्धि स्त्री खींच लेती है। बाबा आई मेक अ लॉट ऑफ पुरुषार्थ टू रिमेम्बर यू येट द वुमन अट्रैक्ट्स माई माइंड। बाप कहते हैं। द फादर सेज ये तो तूफान है। दीज आर स्टॉर्म्स इंडीड। रिहर्सल हो रही है। द रिहर्सल इज टेकिंग प्लेस। शूटिंग हो रही है। द शूटिंग इज टेकिंग प्लेस। 63 जन्मों का हिसाब किताब रील में घूम रहा है। द अकाउंट्स ऑफ 63 बर्थ्स आर रोटेटिंग इन द रील।
तो वो तूफान तो जरूर आवेंगे। Therefore, those storms will certainly come. जो जो 63 जन्मों में विकर्म किए हैं, वो तूफान के रूप में सामने जरूर आवेंगे। The opposite actions that you have performed in the 63 births will certainly come before you in the form of storms. अभी विकर्म नहीं करना है। You shouldn't perform opposite actions now. ऐसा कोई माया का तूफान आता है तो बाप की याद में सेट हो जाना चाहिए। If any such storm of Maya comes, you should set yourself in the remembrance of the father. नहीं तो की कमाई चट्ट हो जाएगी। Otherwise, whatever you have earned will be wasted. 5 मार से गिर पड़ते हैं। You fall down from the 5th story. इन काम विकार पर तुम कल्प कल्प जीत पहनते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। You gain victory over this lust every cycle number wise according to the पुरुषार्थ। ये बात बाप ही जानते हैं। Only the father knows this. बाबा के पास सभी समाचार आते हैं। All the news comes to Baba. बाप दादा जानते हैं कौन कौन क्या क्या करते हैं। बाप दादा knows who does what. गुड़ जाने और कौन जाने। The good meaning molasses knows and who else knows. गुड़ की गोथरी जाने। The sack meaning गोथरी of molasses knows. गोथरी कौन है। Who is the sack. गुड़ कौन है, है? Who is the good? अरे गुड़ किसको कहा। अरे who was called good? शिव जो है सुप्रीम सोल वो सदैव ही गुड है। शिव द सुप्रीम सोल इज ऑलवेज द गुड। वो कभी भी कड़वी बात बोलता ही नहीं है। ही नेवर सेज समथिंग बिटर एट ऑल। जैसे अभी बताया लाइक इट वॉज सेड नाउ कि ऊपर से जो सतो प्रधान आत्मा आती है वो गालियाँ नहीं देती है असंख्य चोर हरामखोर। द सतो प्रधान सोल कंसिस्टिंग इन द क्वालिटीज ऑफ गुडनेस एंड प्यूरिटी दैट कम्स फ्रॉम अबव डजंट अब्यूज अदर्स असंख्य चोर हरामखोर। देर आर न्यूमरस थीव्स एंड हरामखोर दैट इज दोज हू लिव ऑन मनी अर्नड डिसीटफुली। कौन गालियाँ देती है। हु अब्यूसेस अदर्स जिसमें प्रवेश किया। द वन इन हुम ही एंटर्ड गिव्स द अब्यूसेस। तो शिव है प्रवेश करने वाली आत्मा सनातन धर्म की गुड। सो शिव इज द सोल दैट एंटर्स द गुड ऑफ द एंशियंट रिलीजन। और गोथरी कौन है। एंड हु इज द सैक। गुड़ को खाएंगे तो मीठा मीठा लगे बहुत अच्छा। इफ यू ईट गुड इट विल टेस्ट स्वीट वेरी टेस्टी। और गोथरी टाट को खाएंगे तो क्या लगेगा। एंड इफ यू ईट द जूट सैक हाउ विल यू फील। मुंह खराब हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ योर माउथ विल गो बैड। तो बोला गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। सो इट वॉज सेड गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। ओनली द मोलासेस एंड द सैक कंटेनिंग मोलासेस नो। क्योंकि गोथरी में जब गुड़ रखा जाता है बिकॉज व्हेन गुड़ इज केप्ट इन अ सैक तो गोथरी भी कैसे रस की हो जाती है। व्हाट डज द सैक टेस्ट लाइक। है उसका रस कैसा हो जाता है। व्हाट डज इट टेस्ट लाइक। मीठा रस हो जाता है। इट टेस्ट स्वीट। तो बोला गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। सो इट वॉज सेड गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। ब्राह्मणियों की भी रिपोर्ट आती है। द रिपोर्ट ऑफ द ब्राह्मणीज ऑल्सो कम्स। लिखते हैं बाबा ब्राह्मणी बहुत क्रोध करती है बहुत तंग करती है। दे राइट बाबा द ब्राह्मणीज बिकम वेरी एंग्री शी ट्रबल्स अस अलॉट। अलका माता खुश हो गई। अलका माता बिकेम हैप्पी। आप प्रिंसिपल को तो टीचर की रिपोर्ट देनी होती है ना। नाउ यू सर्टेनली हैव टू रिपोर्ट अबाउट द टीचर टू द प्रिंसिपल हैवंट यू। कोई कोई का स्वभाव बहुत गंदा होता है। सम हैव अ वेरी बैड नेचर। इनको कहा जाता है वैश्यालय। दिस इज कॉल्ड वैश्यालय द ब्रोथल। शिवालय की स्थापना शिव बाबा करते हैं। शिव बाबा एस्टेब्लिशेस द शिवालय द हाउस ऑफ शिव। रावण क्या चीज है। व्हाट इज रावण। ये कोई भी नहीं जानते हैं। नो वन नोज दिस एट ऑल। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। अच्छा रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग टू द स्वीट स्पिरिचुअल चिल्ड्रन फ्रॉम द स्पिरिचुअल बाप दादा। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति। नमस्ते फ्रॉम द स्पिरिचुअल फादर टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। ओम शांति।